हेलो दोस्तों, मैं सौरव मलिक आपसे भी टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं मुझे जीके, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग के। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और आगे सभी शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोज देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और हो सके तो लाइक भी जरूर करिएगा। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड बुक किसकी है? तो ये चेतन भगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्यारे मोहन किस पार्टी से है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा जन मोर्चा। ठीक है। नेक्स्ट आपका महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23rd नंबर पर एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है? जो 23rd नंबर का एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में आता है? वो 5th ग्रुप में आता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। ठीक है। एथेनॉल का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था, तो एथेनॉल का फॉर्मूला आपका हो जाएगा C2H6O, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट था गीता और महाभारत से संबंधित पर्सन था, तो आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन नहीं पता चला है जैसे बच्चे ने लिख के भेजा था टेलीग्राम पे, बिल्कुल वैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, मतलब लिख दिया गीता और महाभारत से संबंधित पर्सन था। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित पर्सन था, तो देख के जाइएगा आप। ठीक है। एक था अटाला मस्जिद कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। ठीक है। और एक था जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन थे और मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं बताया बच्चे ने, बस जैसा भी उसने लिख के भेजा कि 4 से 5 क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो खेल से संबंधित, और देखिए करंट अफेयर जो आपकी पूछी जा रही है वो 2017-16 तक की पूछी जा रही है। 18 की करंट अफेयर बहुत ही कम पूछी जा रही है, मतलब किसी किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ज़्यादातर करंट अफेयर भी पूछी जा रही है और किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादातर आपकी साइंस पूछी जा रही है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आधा आधा पोर्शन करंट अफेयर और इसका जीके का, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में आपको बहुत ज्यादा साइंस देखने को मिल रही है और किसी किसी शिफ्ट में आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर, और करंट अफेयर आपकी 2017 की ज्यादा पूछी जा रही है। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका लेंस की अक्षमता, यानी कि पावर ऑफ लेंस यहाँ पे पूछा गया था, तो डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक था आपका सुप्रीम कोर्ट के जज, तो अभी तो करंट में दीपक मिश्रा है और इनसे पहले जगदीश सिंह खेर थे, ये आपको पता होगा। तो ये नहीं बताया कि कब का पूछा गया था, तो ये राइट आंसर आप देख लीजिएगा जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे पूछे गए थे, तो अमिताभ बच्चन राइट आंसर हो जाएगा, कई बार रिपीट हो चुका है ये। तेलंगाना की कैपिटल पूछी गई थी, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? हैदराबाद। तेलंगाना से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ चुके हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। 36वें नंबर एलिमेंट, यानी कि जो 36वें नंबर पर एलिमेंट आता है वो कौन से ग्रुप में आता है? वो 18वें ग्रुप में आता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारी जल का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था, तो D2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डच शब्द शब्द किससे संबंधित है? तो आपका ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि डच से संबंधित कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो आप देख लीजिएगा। करप्शन रैंक ऑफ इंडिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया की कौन सी रैंक है करप्शन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, और उसके बाद मैथ के, और फिर बाद में इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, तो आप वीडियो को अभी देखते रहिएगा। ठीक है। यहाँ पे स्विमिंग और वॉकिंग और एक्सरसाइज के बीच में वेन डायग्राम पूछा गया था, तो स्विमिंग वॉकिंग दोनों ही आपकी एक्सरसाइज हो जाएंगी। ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम आपका बनना था। ठीक है। स्विमिंग वॉकिंग और इनको दोनों को कवर कर दिया जाए किससे? एक्सरसाइज से। तो इस तरीके का आपका वेन डायग्राम बनना था इसका, तो सभी ने बना दिया होगा आशा करता हूँ। और एक क्वेश्चन और था इससे कुछ इसी टाइप का, वो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया क्योंकि वो एग्जैक्ट पूरा पता नहीं चला है। ठीक है। एक था आपका वोटर इमेज, रेस्ट की वोटर इमेज पूछी थी, तो मैंने आपको एक चीज़ समझा रखी है, चाहे वोटर इमेज पूछी जाए चाहे आपकी मिरर इमेज पूछी जाए, दोनों की दोनों एक एक क्वेश्चन था, एक वोटर से एक मिरर से, दोनों ही यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है। तो रेस्ट की आपकी जो वोटर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए, अगर वोटर होगा तो इसका मतलब मिरर यहाँ पे रखा है, मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब जो चीज़ इस मिरर के यहाँ पे पास में होगी, जो वोटर के पास में होगी, तो वो आपको पास में रखनी है, जो दूर होगी दूर रखनी है। डायरेक्शन किसी की चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है। यानी कि अगर आर का जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है, तो अभी भी आर का डायरेक्शन, यानी कि जो आर का जो दूसरे वाला फेस है, जो प्लेन से दूसरे साइड वाला, वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब ये नहीं होगा कि आर इस डायरेक्शन में बन जाएगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके के भी कई ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो ये हो जाएगी उसकी पूरी वोटर इमेज।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे पूर्व धारणा से, ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी पता चला है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं पता चला है उसके, मतलब पूर्व धारणाएं नहीं पता चली है बट क्वेश्चन उसका पता चल गया है, तो उससे भी थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित अध्याय सॉरी ध्यान दिया गया है, अतः किसान अच्छी फसल की आशा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई, क्योंकि अच्छी वर्षा होने की वजह से बोला जा रहा है यहाँ पे, अच्छी वर्षा और दोनों ध्यान देना, दोनों का रिलेशन बनाया जा रहा है, तो आपका जो पूर्व धारणाएं निकलेंगी वो दोनों के रिलेशन से निकलनी चाहिए, किसी भी एक से नहीं निकलनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अतः किसान अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं, ठीक है, पूर्व धारणा यहाँ पे क्या क्या दी गई है, अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी वर्षा की एकमात्र कारक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एकमात्र जो यहाँ पे ये वर्ड आ गया ये इसको मतलब इस ऑप्शन को आपका राइट नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि एकमात्र जो आपका कारक है वो वर्षा तो नहीं है, क्योंकि खुद का किसान का भी यार बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी मतलब जो खेती करने के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड वाला है, चाहे वर्षा अच्छी हो अथवा नहीं, यानी कि अच्छी हो या नहीं हो, अच्छी फसल लेने के लिए किसान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं, मतलब बात तो ये ठीक है बट यहाँ पे जो मैंने बोला था सबसे पहले में, चूंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान भी दिया गया है, तो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो पूर्व धारणा निकलनी चाहिए, और यहाँ पे क्या निकल रहा है कि अच्छी वर्षा हो या ना हो, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वर्षा होना और नहीं होना एक जैसा बना दिया गया है, तो इसका हमें यहाँ पे इसको गलत करना पड़ेगा, यानी कि ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इनमें से आपका कोई भी राइट नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक यहाँ पे गन का आपको पूछा गया था, मिरर इमेज, ठीक है, तो बड़े सिंपल था, इजीली आप कर लेते हैं, ठीक है। एन का ये सबसे पहले एन आएगा, ये उल्टा हो गया, लिख दिया जाएगा इस तरीके से, यू वैसे का वैसे रहेगा और जी का आपका जो फेस है वो इस तरीके से घूम जाएगा, तो कुछ इस तरीके की इमेज बन जाती है वोटर इमेज की, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक कथन ये था, इसका मुझे निष्कर्ष तो नहीं पता चले हैं बट देख लीजिए क्योंकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक लड़की फिल्म देखकर आई है, उसे फिल्म अच्छी लगी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे कि उसे यह अपने दोस्तों को बताया, उसने फिल्म में मजा लिया, कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे जैसे उस बच्चे ने बताया, बट वो एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं थे तो मैं यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पता होगा तो इसके ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा और दूसरे बच्चे इसको देख लेंगे। एक आपका काउंटिंग फिगर से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसको आप ये शायद पहले भी आ चुका है, और इसको कैसे करना होता है, देखिए जो आपके त्रिभुज के जो ये कोने होते हैं तीनों, इनमें इन्हें तो हम दो दो काउंट करते हैं, ठीक है, और बीच में जितनी भी लाइनें होती हैं उनको तीन तीन लिख लेते हैं, ठीक है, चाहे जितनी भी लाइनें होंगी उनको सभी को प्लस कर लेते हैं और लास्ट में एक अलग से ऐड करते हैं जो पूरे के पूरे को इसको मतलब डिनोट करता है, तो कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 6 और 3 + 3 + 3 9 और 1 प्लस करेंगे तो 16, ये आपका 16 ट्रायंगल्स इसमें हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक था आपका कुछ इस तरीके से एनालॉगी का क्वेश्चन, यानी कि 6 को 48 लिखा जाए तो 8 को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 में की जा रही है, ठीक है, यानी कि 6 + 2 करके, ठीक है, 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 48, फिर यहाँ पे इसी तरीके से 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 में की जाएगी, 8 है यहाँ पे तो उसमें प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 8 की मल्टीप्लाई 10 में तो आपका 80 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए मैथ का जो आपका लेवल रहा है बिल्कुल क्वेश्चन का जो फर्स्ट शिफ्ट में था और सेकंड शिफ्ट में बिल्कुल सेम रहा है, कई बच्चों से बात की गई है और बिल्कुल वही पैटर्न बताया गया जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में था वही सेकंड शिफ्ट में बताया गया, ठीक है। तो रेशो का यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि 3/2, 4/6, 6/2 और इनका रेशो आपको निकालना था, तो कैसे निकालते, भाई इनका हम ले लेंगे नीचे वालों का एलसीएम, कितना आ गया 6, तो 2 से 6 जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, तो 3 × 3 = 9, ठीक है, 6 तो 1 टाइम ही जाएगा, यानी कि 4 का 4 ही रह जाएगा, 3 टाइम जाएगा और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 19:4:18 इज द राइट आंसर। किसी कॉमन नंबर से नहीं कट हो सकते तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक कुछ रेशो से ये क्वेश्चन था, और देखिए थर्ड शिफ्ट का वेट करिएगा, थर्ड शिफ्ट में मैं अभी से ही क्वेश्चंस कलेक्ट करने स्टार्ट कर दूंगा और आपको शाम तक मतलब 9, 9:30, 10 बजे तक जब तक भी पूरे क्वेश्चन कलेक्ट हो पाएंगे वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको जरूर देख लिया करें, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था,
शायद ये नल टंकी का, हाँ, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरते हैं और बी जो नल है वो उसको 15 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पे दोनों को देखें, यहाँ पे पढ़िए इस पॉइंट को, दोनों के साथ में खोल दिया जाता है, 2 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो कुल कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 60। ठीक है, 60 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो ए जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता होगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो बी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरा जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सबसे इजी चैप्टर है ये। ठीक है, और इसके सारे क्वेश्चंस आप करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला दोनों को साथ में शुरू में 2 मिनट के लिए खोला गया, तो दोनों 1 मिनट में, 1 मिनट है सॉरी, ये फिर 12 और 15 मिनट हो गए, घंटे नहीं होगा सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मिनट मान लीजिए इनको। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को खोला गया है 2 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में तो 9 यूनिट पानी भरते हैं, तो 2 मिनट में कितना भरेंगे ये 18 यूनिट, तो 60 में से 18 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 42 यूनिट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि अब ए बंद हो चुका है, अकेला बी भरेगा, तो अब ये कितनी देर में भरेगा इसको, 42 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10.5 मिनट में ये इसको भरेगा। ठीक है, देखिए यार सब कुछ ही उल्टा सीधा हो जाता है जब क्वेश्चंस बोलता है कोई बच्चा और मैं लिखता हूँ उसको। ठीक है, कहीं मिनट पे घंटे ऐसा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे मत जाए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 10.5 मिनट, और यहाँ पे 2 मिनट ऑलरेडी पहले ले चुके हैं दोनों के दोनों, तो कितना टाइम लगेगा, कुल टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में, 12.5 मिनट, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो यही इसी टाइप का, मतलब डिजिट चेंज कर दीजिए, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो यहाँ पे बोला गया था कि ए जो है वो किसी काम को 7.5 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे बी वो 10.5 डेज में उस दूसरा उसको, यानी कि बी जो है वो उसे कंप्लीट कर लेता है उसी काम को, तो दोनों के दोनों 4/5, सुबह के टाइम पूछा गया था 6/5 काम को कितनी देर में करेंगे, यहाँ पे पूछा गया 4/5 काम को दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 लग जाएगा, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 लग जाएगा। यहाँ पे कितना है 105 हो गया, यहाँ पे 75 होगा, 105 और 75 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 525। ठीक है, तो 525 को 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, और 7 में 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 70 आ जाएगा। 525 को आपको 105 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, और 5 की 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 50। तो 70 यूनिट वर्क करता है ए एक दिन में, और बी कितना करता है 50 यूनिट वर्क एक दिन में। अब पूछा है यहाँ पे इस टोटल वर्क का 4/5 भाग ये दोनों मिलकर कितनी देर में कंप्लीट कर देंगे, तो इसका 4/5 भाग निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 420। अब 420 को इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 120, तो 420 को डिवाइड कर देंगे 120 से, तो 3.5 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आप चैप्टर के, जो आपका किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से तो बहुत ही भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि शाम के टाइम कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस ऐड करके लेके आऊं, क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन के 1-2 क्वेश्चन मिल पाता है और पूछे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जा रहे हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस नहीं बता पाता। तो जैसे भी आइडिया मुझे लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे इस लोग का एक रीजन में तो कहीं पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, और एक कहीं पे मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस लोग से आपका जो सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो कहीं कहीं पे एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, और कहीं कहीं पे आपका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आपका देखिए सीरीज से यहाँ पे बताया जा रहा है 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। क्लॉक कैलेंडर से आपका शायद एक एक क्वेश्चन आया है, एक बच्चे ने बताया था, किसी ने मतलब कोई इतना बताया नहीं है। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, सीरीज से मैंने बताई दिया। काउंटिंग फिगर से भी 1 क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है, तो मैथ की अगर बात की जाए तो टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एज, ये सारे चैप्टर मैं मतलब मैं लगातार हर एक शिफ्ट में कराई रहा हूँ। पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका बोर्ड मास से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 3 नहीं 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 3 से 4 मतलब, कहीं कहीं पे 3 कहीं कहीं पे 4, तो ये भी आप देख के जाइएगा। बोर्ड मास अच्छा खासा पूछा जा रहा है आपका। और नेक्स्ट आपका जो मेंसुरेशन की बात की जाए तो इससे भी क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कुछ 4-2, एक बच्चे ने बताया कि 4-2 मतलब 6 डिजिट का था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि शाम के टाइम उसको लेके आऊं। ठीक है, एक एचसीएफ एलसीएम से आपका था, और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ
कि ये पूरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगा जितना भी मैंने समझाने की कोशिश करी और जिस भी तरीके से क्वेश्चंस पता चले हैं। देखिए एनालिसिस का ये नहीं हो सकता कि जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ क्वेश्चंस की, मतलब कि जो आप चैप्टर वाइज, तो बिल्कुल वैसे तो नहीं बनाई जा सकती क्योंकि एकदम से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ उसमें गलत पता चलता है, कुछ उल्टा सीधा, एक आपको आइडिया देना होता है एनालिसिस का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आपको अगर मैं बताऊँ दो तीन पॉइंट जो ध्यान रखने वाले हैं कि आपका एक तो साइंस वाला पोर्शन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपका करंट जो कि 2017-16 की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाती है, किसी किसी शिफ्ट में आपका स्लोगन से कोई भी चैप्टर नहीं था और सॉरी क्वेश्चन नहीं था, तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो डाउनलोड करके वहाँ पर टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।